यूनिफॉर्म्स देखो, जो पुराने जमाने की ऐसी यूनिफॉर्म होती थी अमेरिकन एयरलाइन की। और अब आप लोगों को एक चीज दिखाते हैं, प्लेन। कितना बढ़िया प्लेन है। अंदर से प्लेन का ऐसे होता है, अंदर उन्होंने बंद किया हुआ कि इधर की साइड मत जाओ। बट आप देख सकते हो कि कैसे उड़ाने के लिए दो पायलट बैठ सकते हैं और यहाँ से आप उड़ा सकते हो अंदर से। अभी इसके अंदर हम आपको दिखाते हैं कैसा होता है। ऊपर भी प्लेन ही प्लेन है सारे, रौनक। अंदर से दिखाते हैं अब आपको प्लेन। ये देखो, 6 पैसेंजर एट अ टाइम इन दिस व्हीकल। देख सकते हो अंदर से कितना बढ़िया, छोटा है ना। तो ये देखो, ये असली में है। वैसे तो ये यूज़ वगैरह नहीं करते, जैसे हम कह सकते हैं पुराना हो चुका है तो इन्होंने यहाँ पे म्यूजियम में रख दिया। बट ऐसे होते हैं जो छोटे प्लेन होते हैं। और आप पीछे इधर दो बंदे बैठ सकते हैं। और आप देखोगे ऊपर भी इन्होंने पूरे पूरे प्लेन लगाए हुए हैं, बढ़िया सिस्टम है। ऊपर लाइट देखो कैसे घूम रही है। छोटे छोटे प्लेन, जे हॉक खड़े, ये डॉल्फिन खड़ा। जे हॉक देखो जैसे मिलिट्री के होते हैं ना, वैसे कोस्ट गार्ड के। सारे प्लेन ही प्लेन खड़े, कितने ही सारे प्लेन। और यूनिफॉर्म्स देखो, जो पुराने जमाने की ऐसी यूनिफॉर्म होती थी अमेरिकन एयरलाइन की। किसी ने मम्मी का पर्स ऊपर उठा दिया। हाँ, ये हमारे करेलियन क्लिनिक के लाइफ गार्ड जो प्लेन उड़ाते हैं ना, ये करेलियन क्लिनिक का प्लेन भी पड़ा। Did you see this? बाहर से देखोगे आप कितनी ट्रेनें यहाँ पे खड़ी हुई हैं। ये सारी असली नहीं है बट ऐसे म्यूजियम के लिए रखी हुई है इन्होंने। अब हम अंदर चलते हैं इस डब्बे के अंदर। इधर लिखा हुआ है अंदर मूवी चल रही है, तो हम इसको हार्ड ओपन करके अंदर चलते हैं। सारे अंदर चले गए, पूरी मूवी चलती होती है। और सारे बैठ गए हैं मूवी देखने के लिए। और आप यहाँ पे ऐसे बैठ के पूरी मूवी देख सकते हो। थिएटर नहीं सिर्फ है, जैसे मूवीज जैसे बसों में टीवी लगे होते हैं वैसे ही है। और तो सामने मूवी चल रही है, सारे बैठ के एंजॉय कर रहे हैं। इधर की साइड जा रहे हैं, अंदर मूवी देखा है। और ट्रेन देखो कितनी बढ़िया, तीन तरह की ट्रेन खड़ी है। आप यहाँ से नीचे भी जा सकते हो, नीचे भी जाएंगे अभी हम। और नीचे चल के आप तो दिखाते हैं, ये तो आप ऊपर से। और देखो आंटी जा रही है नीचे, तो आप नीचे भी जा सकते हो। बट आई डोंट थिंक कि आप उतर सकते हो। देखो उतर सकते हो तो हम नीचे भी जाएंगे। और हम अभी नीचे जाएंगे, जैसे वो जा रहा सारस, और यहाँ से हम उसके ऊपर ट्रेन के ऊपर भी चढ़ सकते हैं। तो मज़ा आएगा, फन करेंगे, फोटो खिंचवाएंगे। अब आए हैं तो थोड़ा टाइम स्पेंड करके जाएं। ठंड तो पूरी है, देखो आइस स्नो अभी भी पड़ी हुई है। बट फन करना चाहिए पूरा। देखो नॉरफोक लिखा है ट्रेन के यहाँ पे, नॉरफोक सदरन की ट्रेनें चलती हैं मोस्टली। अब हम नीचे जा रहे हैं और नीचे जाके फन करेंगे। देखो ऊपर पूरा इन्होंने स्टेशन की तरह बनाया हुआ, जैसे आप स्टेशन में आओगे तो स्टेशन में होता है। और यहाँ पे बेंच वगैरह भी हैं बैठने के लिए। अभी हम चलते हैं ट्रेन की साइड। तो हमने पढ़ा नहीं लिखा है कि इस पर क्लाइम मत करो, तो हम यहीं पे खड़े होकर फ़ोटो वगैरह खिंचा लेंगे।
तो चलते हैं आगे जाके देख के आते हैं। चला जा सारा। Hello, yeah, we're here. Hey, raising gold. Can you see there's like some engines here? And yeah, so. And that's what I. David, you want a speed ray? What's that? No. If they let us get up there, no. What's this? I'm scared. I don't want to get up. Mommy! Oh, mommy! You cannot get up there. प्रिया उन्हीं फोटो खिंचवा रहे हैं, मम्मी बीच में आ रहे हैं, प्रिया और सारस लगे हुए फोटो खिंचवाने। मज़ा आ रहा है, ट्रेन ही ट्रेन खड़ी है और अभी हम उधर की साइड से अब इधर की साइड आ गए हैं। विच वन यू कैंट गेट इन साइड कैन यू, इट्स क्लोज्ड। तो आगे से बंद किए हो, इन्होंने ऊपर नहीं चढ़ सकते आप, बट ट्रेनें ऐसी होती हैं देखो, ये अंदर बंदे बैठ सकते हैं, बट इन्होंने दरवाजे वगैरह सब बंद किए हुए हैं। देखो यहाँ से आप बाहर भी देख सकते हो और उधर चलते हैं। कोई भी नहीं है, ये सेल्फ गाइडेड टूर है, कोई ये नहीं है कि आपको टूर कराने आएगा। उन्होंने पहले बाहर बोल दिया था ये सेल्फ गाइडेड है, खुद देखो, खुद एंजॉय करो, फन करो। देखो पुलिस की गाड़ी खड़ी हुई, सेलम पुलिस की। ऐसे पहले गाड़ियाँ होती थी। और ये स्कूल बस देखो, कितनी पुरानी स्कूल बस है, 1934। ऐसे होते थे, ऐसे बंदा बैठा होता था, ओपन होता था पूरा। अब तो इन्होंने पूरी अंदर से बंद कर दी हुई है। ऐसे होते थे फ्रेंड्स, ऐसे हिस्टोरिक चीज़ें हैं, बढ़िया चीज़ें हैं। और देखो हमर खड़ी, और यहाँ पे देखो कितनी घोड़ा गाड़ी खड़ी है, मतलब बढ़िया लग रही मुझे तो। जैसे यहाँ पे इसको आगे घोड़े बांध दो, और ये बंद वाली है, ये खुली वाली है। जो पहले ट्रांसपोर्टेशन होता था उसी का ये म्यूजियम है, कि कैसे कैसे ट्रांसपोर्ट करते थे चीज़ें। अंदर चलते हैं हम इस वाली ट्रेन के अंदर। अब यहाँ से बंद किया हुआ है और यहाँ पे अंदर चलते हैं। ओह व्हाट वाह रियली, ये मेरे नाम की नहीं है, रख दे अंदर। यहाँ से लैट में पड़ी है, इन्होंने शोर ही शोर डाला हुआ बच्चों ने। ये मेल बॉक्स वाली है, ये जो होती नहीं मेल बॉक्स वाली गाड़ी। और अंदर से हम अब गाड़ियों के म्यूजियम में आ गए। यहाँ पे देखो पुराने ज़माने की गाड़ियाँ खड़ी, कितने पुराने पुराने इंजन है। बढ़िया लगती है मुझे तो ऐसे एंटीक कार्स। और यहाँ पे देखो कितने ट्रक वगैरह भी खड़े हैं, टॉयज वाले हैं, बट ये कलेक्शन बहुत करते हैं यहाँ पे लोग। सारी गाड़ियाँ ही गाड़ियाँ खड़ी हैं, आप देखोगे ये पेट्रोल पंप का इन्होंने रखा हुआ है। देखो एक एक पार्ट इन्होंने निकाल के लगाया हुआ मोटरसाइकिल का। सारी मोस्टली फोर्ड की है, फोर्ड की बहुत चलती होती थी पहले। ये देखो कैसी है, ये 1927 की है और ये 1981 की है। चल रही है, ओ भाई ट्रेन ऊपर से भी आ रही है, कंस्ट्रक्शन ट्रेन पूरी तरह से, कितना बढ़िया इन्होंने बनाया हुआ। ये जा रही है ट्रेन, बाय बाय, रुक गई, अब दूसरी की बारी आई, वो ऊपर चल पड़ी। और अब आप लोगों को एक चीज़ दिखाते हैं, प्लेन, कितना बढ़िया प्लेन है, मज़ा आ गया मुझे तो देख के ही। पूरा येलो किया हुआ कलर, कितना बढ़िया लग रहा है। Okay, अभी हम जा रहे हैं ऊपर, ऊपर भी एक दो चीजें होंगी देखने वाली, बट हमने कहा ऊपर का भी एक्सप्लोर कर ले थोड़ा बहुत। अंदर चलते हैं, ये ट्रैवलिंग सर्कस लिखा है, अंदर देखते हैं।
सर्कस के लिए ना। ओहो कितना बढ़िया, देखो ना ऑडियंस देखो कितनी लगाई हुई है इन्होंने, कितनी ऑडियंस बिठाई हुई है। और इधर सर्कस चल रहा है, सारे लोग बैठे हुए, इधर सर्कस चल रहा है, इधर बाहर इन्होंने सामान सामान रखा हुआ, इधर भी है, ये ट्रैवलिंग सर्कस है। ये तंबू लगाए हुए हैं, तंबू मतलब इतनी कारीगरी की हुई ना, छोटी 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 चीज़ें की, मज़ा आ रहा देख के। ट्रेनों की पटरियाँ पड़ी तो देखो पीछे हाथी खड़े किए हुए, वाह। इधर घोड़ों की फूल देखो, उतने ही घोड़े लगाए हुए। घोड़ों की रेस होगी इधर तो, इतना बढ़िया लग रहा है। ओके फ्रेंड्स, तो अभी हम जा रहे हैं घर, और ये था आज की व्लॉग। होपफुली आप लोगों ने एंजॉय की होगी, हमने बहुत एंजॉय किया, हमारा फर्स्ट टाइम था, घंटा डेढ़ हमने एंजॉय किया, फ़न किया, थोड़ा अंदर बैठ के आराम भी किया। अंदर ठीक है, हीट वगैरह चल रही है, बट बाहर बहुत ही ज़्यादा ठंड है, तो ज़्यादा हमने प्रेफर किया कि अंदर ही रहे। अगर ठंड ना होती, गर्मियों का मौसम होता, तो हम बाहर भी जा सकते थे। होपफुली आप लोगों को मेरी आवाज़ आ रही होगी, बट गाइस आज की व्लॉग को यहीं पे ख़त्म करते हैं। होपफुली आप लोगों ने हमारी व्लॉग को लाइक किया होगा, अच्छा किया होगा। अगर आपको आज की व्लॉग अच्छी लगे तो मेरे लाइक अपने जरूर दबा देना, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लो, अगर कर ले तो आगे से आगे शेयर करना। जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग के साथ, गुड नाइट गाइस।